हाल ही में सोशल मीडिया पर खूब बदनाम हो रहे थे एल्विश यादव, क्योंकि कई सोशल मीडिया पेजेस जैसे कि रैंडम सेना ने ये सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि जिस मुस्लिम समाज पर जैसे कि मुन्ना और फारूकी पर ही एल्विश ने इतने एलिगेशंस लगाए, उनके खिलाफ खड़े रहे कट्टर हिंदू खुद को कहते रहे एल्विश, वो आखिर खुद कैसे मुन्नावर को गले लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एल्विश को लेकर बदनामी चली और अब खुद सामने आकर लगभग एक डेढ़ हफ्ते तक ये कॉन्ट्रोवर्सी चली है और अब एल्विश यादव ने सॉरी कहा है उन लोगों को जिनकी जो सोच है इस तरह की कि एल्विश को मुन्नावर के गले नहीं लगना चाहिए था, कि अगर वो उनके अगेंस्ट थे, उनके धर्म के अगेंस्ट थे, तो अगेंस्ट ही रहना चाहिए था। उनके इस भाव को अगर ठेस पहुंचा है तो एल्विश ने उनसे माफी मांगी है। वेल, वीडियो में तो बहुत कुछ कहा है एल्विश ने, लेकिन उसके ऊपर रैंडम सेना ने किस तरह रिएक्ट किया, आइए आपको ये दिखाते हैं। एल्विश यादव को पूरे हिंदू समाज के सामने झुकना पड़ा मुन्नावर फारूकी को गले लगाने के लिए। रैंडम सेना और पूरे हिंदू समाज और जितने भी हिंदू भाई वीडियो बनाए एल्विश यादव के अगेंस्ट, उन सभी को अभिषेक सिंह का सर झुका के नमन है। ऐसे गद्दार हिंदू एल्विश यादव को झुका दिया पूरे हिंदू समाज ने। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वेल, रैंडम सेना ने यहाँ पर इस ऑडियो में और भी बहुत कुछ कहा है, जैसे कि उन्होंने एल्विश यादव के अगेंस्ट ये कैंपेन क्यों शुरू किया था, क्यों उनके अगेंस्ट सवाल खड़े किए थे कि कट्टर हिंदू नहीं रह गए हैं एल्विश यादव। सुनिए उनकी इस ऑडियो को भी। हमारा एक आपसे एक को वो था, शिकायत था कि आपको नहीं गले लगने चाहिए था और आपने अपनी गलती नहीं स्वीकारी थी घमंड में, इसलिए पूरे हिंदू समाज ने आपके अगेंस्ट कैंपेन किया। और लास्टली आपको अपना बिजनेस का नुकसान हुआ, 2 लाख हिंदूज ने आपको अनफॉलो किया, तब आपने माफी मांगी पूरे हिंदू समाज से। पूरे हिंदू समाज की जीत है ये। और मैं यही चीज बोलूंगा कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठाइए। कोई भी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बोल के आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये एग्जाम्पल पूरे हिंदू समाज ने सेट कर दिया है कि एल्विश यादव के खिलाफ भी जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताता था, अगर वो गलती किया तो पूरा हिंदू समाज उसके अगेंस्ट आ गया और उसे फाइनली माफी मांगनी पड़ी, मांगनी पड़ी, मांगनी पड़ी। वेल, एल्विश यादव ने तो आई एम सॉरी वाली इस वीडियो के अंदर ये तक कहा है कि वहां पर सिर्फ यानी कि जो मैच चल रहा था एक चैरिटी के लिए, उस मैच के दौरान सिर्फ एल्विश यादव एक लौते नहीं थे हिंदू जिसने गले लगाया हो मुन्नावर को, बल्कि वहां पर तो और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो हिंदू धर्म के हैं, वो भी तो गले लगा रहे थे। तो अगर एल्विश के ऊपर सवाल खड़े हुए तो उन लोगों के ऊपर एलिगेशंस या उंगलियां क्यों नहीं उठी? एल्विश ने जहां अपनी इस वीडियो में इस बात पर सवाल खड़ा करके लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि वो गलत थे, तो आगे रैंडम सेना उसके ऊपर किस तरह सवाल खड़ा कर रही है और जवाब दे रही है एल्विश यादव को, जरा ये सुनिए। एक चीज शॉर्ट में मैं बोलूंगा कि उसने बोला कि जितने भी सचिन और वहां पे 20-25 लोग थे वो मुन्नावर को गले लगाए, तो मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूं कि उन्होंने अपने आप को कट्टर हिंदू बोल के वोट नहीं लिए थे, हिंदू समाज से सपोर्ट नहीं लिया था, इसलिए हम उनको क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर वो अपने आप को कट्टर हिंदू बता के वोट लेते, हिंदू समाज से समर्थन लेते, तब हम उनसे सवाल पूछते। बस यही चीज बोलूंगा कि हमने झुका दिया, हिंदू समाज ने झुका दिया ऐसे घमंडी सट्टाबाज गद्दार हिंदू को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रैंडम सेना की कोई जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है। वेल, लगता है ये बहस अभी भी थमेगी नहीं। रैंडम सेना एल्विश यादव को जितना सपोर्ट करती हुई आज तक नजर आई थी, वही मुन्नावर और एल्विश के इस मुद्दे के बाद उनके पूरी तरह अगेंस्ट हो चुकी है। खबरें ये भी आई कि रैंडम सेना को चलाने वाले अभिषेक सिंह गिरफ्तार हुए, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, बिहार वाले भी उनके काफी अगेंस्ट चले गए, लेकिन बहुत से हिंदू समाज को फॉलो करने वाले रैंडम सेना को जहां सपोर्ट करते हुए, तो एल्विश के अगेंस्ट भी खड़े नजर आए हैं। लेकिन आखिर इस बारे में आप सभी क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लेके बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।